आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसमें दम होता है दुनिया उसकी सुनती है, और देश को झुकने वाली नहीं बल्कि दमदार सरकार की जरूरत है। हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, नया भारत दमदार भी होगा, असरदार भी होगा। आतंकी धमकाते थे, कांग्रेस दुनिया में रोती थी। पुलवामा की गलती पर हमने घुसकर मारा, दुबकने वाली सरकार नहीं चाहिए। जब दम होगा तो दुनिया भी साथ खड़ी होगी, जो रोता है उसकी कोई नहीं सुनता। मुझे इनकी गालियां सुनने का अनुभव है। यूपी में बेटियों के साथ अत्याचार होता था, बहन बेटियां तलाक जैसे अत्याचार सह रही थीं। 23 मई को सरकार बनने के बाद ट्रिपल तलाक पर बिल, महामिलावट की महागिरावट पक्की है। गठबंधन में कैसे कैसे लोग साथ आए, मूर्तियां टटोलोगे तो पैसा निकलेगा। अम्बेडकर को भूमाफिया बोलने वाले के साथ माया, बहन जी ने नेताजी को पागलखाने भेजने की सलाह दी थी। मेरा भी माफ तेरा भी माफ, नहीं तो हो जाएगा साफ। बहन जी की सरकार ने यूपी को लूटा, योगी जी की सरकार यूपी का विकास कर रही है। मुरादाबाद से आलम बाफसी की रिपोर्ट। मान की बात है, हां मुझे दुख इस बात का है, जिन सफाई कर्मचारियों का समाजवादी पार्टी अपमान कर रही है उसे लेकर भी बेंजी चुप है। और मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारी सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। अरे खैर, मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। साथियों, सपा बसपा कांग्रेस की महामिलावट की यही मानसिकता है कि यूपी में बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर था। पश्चिमी यूपी में गुंडों ने बेटियों का जीना मुश्किल कर रखा था। योगी जी की सरकार ने इस गुंडागर्दी पर करारी चोट की। साथियों, इन लोगों की इसी मानसिकता की वजह से कि हमारी मुस्लिम बहन बेटियां 3 तलाक जैसे अत्याचार को सहने के लिए मजबूर है। और मैं ऐसी पीड़ित बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि 23 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा और 23 मई को फिर एक बार आपकी हर समस्या का समय पर समाधान हो सके। इसके अलावा छोटे उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक बिना गारंटी ऋण देने का संकल्प भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है, और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा संकल्प है। इसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमें एकजुट होकर चलना है। याद रखिए, इस 23 अप्रैल को आपका एक एक वोट हमारे देश को मजबूत बनाएगा। अब आप एक संकल्प लीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा।